चलिए भी वेरी गुड मॉर्निंग, लेट अस स्टार्ट, लेट अस कंटिन्यू, और जितनी जल्दी ये चैप्टर खत्म करेंगे हमारे लिए उतने ही अच्छा है। और इस चैप्टर में देखो प्रूफ कोई आना नहीं है पेपर में, ठीक है, तो हम इसको इसी हिसाब से करेंगे। अगर मुझे लगा कि किसी क्वेश्चन में इसको बिना प्रूफ के सिर्फ एज ए रिजल्ट लर्न करवाया जा सकता है तो विल डू इट लाइक दैट, राइट। बट ये नहीं है कि सारा चैप्टर हम ऐसे छोड़ दें, क्योंकि कई बार अनसीन क्वेश्चन आएंगे तो आपको वहां पे कॉन्सेप्ट अप्लाई करना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 7th 8th में मैंने आपको बता दिया था मिड पॉइंट थ्योरम की स्टेटमेंट एंड उसका कन्वर्स, दोनों याद रखने हैं, ठीक है। जो हमने 9th में किया था मिड पॉइंट थ्योरम एंड उसका कन्वर्स, दोनों याद रखने। मिड पॉइंट थ्योरम को थेल्स थ्योरम की हेल्प से प्रूव करना नॉट रिक्वायर्ड, मिड पॉइंट थ्योरम के कन्वर्स को थेल्स थ्योरम की हेल्प से प्रूव करना नॉट रिक्वायर्ड एट ऑल। सो इन 7th 8th यू विल रिमेम्बर मिड पॉइंट थ्योरम एंड इट्स कन्वर्स की स्टेटमेंट, उसकी किसी भी तरह से एप्लीकेशन आ सकती है। क्वेश्चन नंबर 9, एबीसीडी इज ए ट्रेपीजियम, इन विच डायगनल्स एसी एंड बीडी इंटरसेक्ट एट द पॉइंट ओ, डायगनल्स एसी एंड बीडी दे आर इंटरसेक्टिंग एट द पॉइंट ओ, एंड नेचुरली ट्रेपीजियम है तो हमारे पास वन पेयर ऑफ साइड्स विल बी पैरेलल, एंड इट इज गिवन दैट ए बी इज पैरेलल टू डी सी, राइट। एंड वी वांट टू शो एओ अपॉन बीओ इज इक्वल टू सीओ अपॉन ओडी। अब इस रिजल्ट को आपने याद कैसे रखना है, प्रूफ तो चलो हम करेंगे, आप इसको ऐसे याद रख लो एओ अपॉन सीओ इज इक्वल टू ओबी अपॉन ओडी। दैट मींस ट्रेपीजियम के केस में जो डायगनल्स हैं दे बाइसेक्ट ईच अदर, ये हम प्रूव करने जा रहे हैं ना, ट्रेपीजियम के केस में ये चीज होती है। इसका मतलब AO upon OC is OB upon OD, right? So you remember this result like this, that in case of trapezium, diagonals they bisect each other. ऐसे आ सकता है, जैसे मान लो हमारे पास AC की वैल्यू दी हुई है 22, राइट, एंड इसकी वैल्यू इक्वल नहीं होते डायगनल। AC की वैल्यू अगर हमें 22 दी हुई है, what will be the value of AO? What will be the value of AO? 11, ठीक है? तो ये आपने कुछ भी हो सकती है, रेशियो इक्वल कह रहे हैं एक्चुअली हम, AO अपॉन OC इज इक्वल टू डायगनल्स के पार्ट्स की जो रेशियो है दैट विल बी इक्वल, AO अपॉन OC इज इक्वल टू BO अपॉन OD। इस तरह से आपने इस रिजल्ट को याद रखना है। अब प्रूफ में थोड़ा सा मतलब उसने मिक्स एंड मैच कर दिया, OB को इसके नीचे लिख दिया, इट हार्डली मैटर्स। चलिए देखें इसको कैसे प्रूव करेंगे। ये वाला रिजल्ट, ये जो क्वेश्चन है ना, इट इज एक्चुअली यू कैन सी इन दैट इन एक्सरसाइज 6.3 आल्सो इट इज देयर। देखो जरा 6.3 का क्वेश्चन नंबर 3, है ना, इसको छोड़ दो, मैं वहीं पे करवाऊंगी, उसी मेथड से करवाऊंगी। 10th क्वेश्चन करते हैं, क्योंकि दो दो मेथड एक क्वेश्चन के करने कोई वो नहीं है। क्वेश्चन नंबर 10th देखो, इसको उसी मेथड से करेंगे, वो ज्यादा ईजी है। डायगनल्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल एबीसीडी, एबीसीडी इज ए क्वाड्रिलेटरल, दूसरे मेथड से करेंगे इसको, दे इंटरसेक्ट ईच अदर एट द पॉइंट ओ सच दैट गिवन एओ अपॉन ओबी दिस इज इक्वल टू ओसी अपॉन डीओ, एंड वी वांट टू प्रूव दैट एबीसीडी इज अ ट्रेपीजियम। ये देखो, अब ये क्वेश्चन अगर आएगा तो फिगर के बिना आएगा, क्योंकि ऐसे तो लग ही रहा है कि ये ट्रेपीजियम है। ऐसे डाले जा सकता है इन ए क्वाड्रिलेटरल इफ एबीसीडी वेयर एसी एंड बीडी आर डायगनल्स इंटरसेक्टिंग एट द पॉइंट ओ, दिस कंडीशन इज सेटिस्फाइड, देन एबीसीडी विल बी अ रेक्टेंगल ट्रेपीजियम पैरेललोग्राम स्क्वायर। व्हिच ऑप्शन इज करेक्ट? इट विल बी अ ट्रेपीजियम। लेट अस प्रूव इट। कैसे ट्रेपीजियम प्रूव करने के लिए हमें प्रूव करना पड़ेगा दैट वन पेयर ऑफ साइड इज पैरेलल। वी वांट टू प्रूव दैट ए बी पैरेलल टू डी सी। वन स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन वी विल डू हियर। What we will do, we will draw OE parallel to किसी एक साइड के parallel कर दो। OE, let us suppose that it is parallel to DC. OE parallel to DC. This construction is must in this question. Otherwise, तो चलो ये बात अब खत्म ही हो गई कि कौन सी construction का step है। Now see, अगर हम OE parallel to DC ले रहे हैं, इसका मतलब we are talking about this triangle, right? So, इस ट्राइंगल में तो अगर दो लाइंस हमें पैरेलल दी हुई है तो विच थ्योरम वी कैन अप्लाई? थेल्स थ्योरम।
So in triangle ADC, by Thales' theorem, as OE parallel to DC, this imply AE over ED, AO upon OC. Mark it to be equation number one. अब अपने गिवन को यूज करो. गिवन में एओ अपॉन ओसी की वैल्यू क्या बनेगी आशिमा? इफ आई वांट टू गेट द वैल्यू ऑफ एओ अपॉन ओसी, व्हाट इट बी इक्वल टू? बीओ उधर चला जाएगा, बीओ अपॉन और डीओ. ठीक है, इस इक्वेशन को यूज करते हुए आप एई एओ अपॉन ओसी को बीओ अपॉन डीओ से रिप्लेस कर दो यूजिंग गिवन. गिवन को यूज करते हुए यू रिप्लेस एओ अपॉन ओसी बाय बीओ अपॉन ओडी. नाउ यू आर हैविंग टू इक्वेशंस इन फ्रंट ऑफ यू, जिसकी की राइट हैंड साइड्स क्या है, सेम है. तो व्हाट यूक्लिड सेज, इफ टू इक्वेशंस, इफ टू थिंग्स दे आर इक्वल टू द सेम थिंग, देन दे आर इक्वल टू वन अनदर. सो वी कैन हैव एक मिनट ट्राइंगल दूसरा लेके फिर यूज करेंगे. मेरे लिया ओई को बी सी के पैरल हमें चाहिए, ओई को ए बी के पैरल प्रूव करना. ठीक है. अब व्हाट वी नीड, हम ये चाहते हैं कि ए बी और सी डी आपस में पैरल हो जाए. हमारे पास क्या है, ओई पैरल टू डी सी. अगर ये ओई ए बी के भी पैरल हो जाए तो टू लाइंस इफ पैरेलल टू द सेम लाइन और पैरेलल टू वन अनदर. तो इसका मतलब हमारा टारगेट ये है कि हम इस OE को AB के भी पैरेलल प्रूव करें. तो उसके लिए हमें क्या लगाना पड़ेगा, अगर दो लाइंस को पैरेलल प्रूव करना है तो क्या लगता है, इनवर्स ऑफ BPT. इस ट्राइंगल में, इन ट्राइंगल ADB, वी आर हैविंग, हाँ जो सेकेंड इक्वेशन हमने बनाई थी वो बनेगी. AE upon ED, this is equal to OB upon OD. इसको second equation बोल दो. Using given, ठीक है, second equation हमारे पास वैसे ही जो अभी हमने बनाई. In triangle ADB, AE upon ED, this is equal to BO upon OD. By using two, AE upon ED is equal to BO upon OD. Using two, दक्ष समझ नहीं आया? ठीक है, नहीं समझ आया? पहले ये इक्वेशन बनाई थी, समझ आया था कि कैसे बनी थी? हमने गिवन को यूज करके यहाँ पे वैल्यू रिप्लेस कर दी. अब मुझे क्या चाहिए, मैंने ओई को एबी के पैरेलल प्रूव करना है. तो मैंने ये वाला ट्राइंगल लिया, थेल्स थ्योरम का कन्वर्स अप्लाई करना है. उसके लिए रेशियो होनी चाहिए. रेशियो क्या, एई अपॉन ईडी शुड बी इक्वल टू बीओ अपॉन ओडी. और ये हमारा इक्वेशन नंबर टू हमें बता रहा है कि इट इज सो. ठीक है, और अगर इसी ट्राइंगल में ये चीज होल्ड करती है तो जहां पे वो लाइन जो हमारे पास है, जो इन बिटवीन द ट्राइंगल है, दैट लाइन विल बी पैरेलल टू द अनदर साइड बाय यूजिंग कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम. दिस इंप्लाइज ओई पैरेलल टू एबी बाय कन्वर्स ऑफ बीपीटी. बाय कन्वर्स ऑफ बीपीटी, ओई पैरेलल टू एबी बाय कन्वर्स ऑफ बीपीटी. नाउ एज OE parallel to AB and OE parallel to CD, this implies AB parallel to CD. And if one pair of quadrilateral get parallel, one pair of side, that that quadrilateral is better known as trapezium. So ABCD is a trapezium. Just remember this result like this, that if in a quadrilateral diagonals are proportional to each other, that means AO upon OC is equal to OB upon OD, then that quadrilateral is going to be a revision. ठीक है, चलिए आइए अब नेक्स्ट कॉन्सेप्ट में. नेक्स्ट हमारे पास, जैसे हमने ट्राइंगल की कॉन्ग्रेंसी के कुछ क्राइटेरिया किए थे, क्राइटेरिया ट्राइंगल की कॉन्ग्रेंसी के हमने क्या किए, ट्रिपल एस, एस ए एस, डबल ए एस, आर एच एस. इसी तरह से हमारे पास ट्राइंगल्स की सिमिलरिटी के भी कुछ क्राइटेरिया है. Till now हमने क्या सीखा, when we say that two triangles are similar, if their sides are proportional, sides are corresponding sides rather I should say, corresponding sides are proportional and
corresponding angles are equal. This is the main definition of similarity. जिसके थ्रू हमने अभी एक्सरसाइज दो एक्सरसाइजेस को डील किया दैट इफ इन अ ट्रायंगल टू कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स आर प्रोपोर्शनल एंड द कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल देन वी से दैट द ट्रायंगल्स आर सिमिलर. शुड वी रिलाई ऑन दिस स्टेटमेंट ओनली थ्रू आउट द चैप्टर? शुड देयर इज ओनली वन यू कैन से क्राइटेरिया विद द हेल्प ऑफ विच वी प्रूव द टू ट्रायंगल्स टू बी सिमिलर? नो, इट सीम्स टू बी यू कैन से लेंथी वन. हर क्वेश्चन में ये देखना, हर एक ट्रायंगल में छह छह चीजें देखनी के बराबर हो गई कि पहले तो तीनों तीनों साइड्स की प्रोपोर्शनैलिटी देखो, फिर तीनों तीनों एंगल्स को देखो. छह चीजें देख के अगर हमें दो ट्रायंगल्स को सिमिलर प्रूव करना है तो ये तो फिर बहुत लेंथी हो जाएगा. इन्हीं चीजों की हेल्प से, ये इसी को बेस बनाते हुए सर्टेन क्राइटेरियाज ऑफ सिमिलरिटी हैज बीन यू कैन से डिजाइंड. लेट अस सी ऑन पेज नंबर 131. देखो जरा पेज नंबर 131 पे. देयर इज अ थ्योरम 6.3. वी आर नॉट गोइंग टू राघव एनीथिंग स्पेशल. योर आईज आर स्पार्किंग विद यू कैन से स्माइल. नहीं, थ्योरम देखो. इस थ्योरम से हमें जो है फर्स्ट क्राइटेरिया ऑफ सिमिलरिटी मिलेगा. If two in two triangles corresponding angles are equal, then their corresponding sides will be proportional. अगर किसी ट्राइंगल में दो ट्राइंगल्स में, मैं यहाँ पे ट्राइंगल्स बना देती हूँ आपको थोड़ा सा आइडिया हो जाएगा. अगर हमारे पास दो ट्राइंगल्स में, एक ट्राइंगल लिया मैंने एबीसी, दूसरा लिया पी क्यू आर, कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स प्रोपोर्शनल हैं. कॉरेस्पॉन्डिंग वर्ड का मीनिंग आपको नाइन्थ में कॉन्ग्रेंसी करके काफी क्लियर होना चाहिए, होगा भी आई होप सो. ए बी अपॉन पी की फर्स्ट टू लेटर्स, इधर से फर्स्ट टू लेटर्स, सेकंड थर्ड तो इधर से सेकंड थर्ड, फर्स्ट एंड थर्ड तो इधर से फर्स्ट एंड थर्ड. अगर किसी ट्राइंगल में कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स प्रोपोर्शनल हैं तो इस थ्योरम का प्रूफ कहता है दैट कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स विल डेफिनेटली बी इक्वल. Corresponding angles will definitely be equal. Sorry, मैंने उल्टा बोल दिया. Angles अगर equal हैं, तो sides proportional होंगी. ये है थ्योरम कि if in two triangles corresponding angles are equal, then the corresponding sides are going to be proportional. Proportional that means in the same ratio. इसका मतलब ये हुआ, अगर हम दो triangles के corresponding तीन angles equal कर दें तो हमें उनकी साइड्स की रेशियो चेक करने की जरूरत नहीं है. दे विल ऑटोमेटिकली बी इक्वल. तो इस थ्योरम को ध्यान में रखते हुए हमने फर्स्ट क्राइटेरिया ऑफ सिमिलरिटी डिराइव किया एंड दैट इज बेटर नोन एज ट्रिपल ए सिमिलरिटी क्राइटेरिया. दैट इफ इन टू ट्राइंगल्स कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स गेट इक्वल, देन द टू ट्राइंगल्स दे आर सेट टू बी क्या, सिमिलर. अपनी डेफिनेशन से इस थ्योरम के थ्रू हम फर्स्ट क्राइटेरिया पे पहुंचे. अब देखना, इस फर्स्ट क्राइटेरिया से आई विल डिराइव द सेकंड क्राइटेरिया. मान लो इस ट्राइंगल में मैं एंगल ए की वैल्यू 30 लेती हूँ एंड से एंगल बी आई एम टेकिंग इट टू बी 70, उधर से पी की वैल्यू 30 एंड एंगल क्यू टू बी 70. व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ एंगल सी? एंगल सम प्रॉपर्टी से इट विल बी 80. And what will be the value of angle R? This is also 80. That means अगर किसी ट्राइंगल में दो एंगल्स इक्वल हो जाएं, तो तीसरे एंगल का इक्वल होना बट ऑब्वियस है. तो इसका मतलब ट्रिपल ए सिमिलरिटी क्राइटेरिया इट कैन बी स्क्वीज्ड टू डबल ए सिमिलरिटी क्राइटेरिया. सो ट्रिपल ए हम बहुत कम यूज करेंगे. ट्रिपल ए को हम सिर्फ अप्लाई करेंगे कि दो ट्राइंगल सिमिलर हो गए तो उनके कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल है. दो एंगल सेम हुए तो तीसरा एंगल सिमिलरिटी से निकल जाएगा. सो वी कम टू द सेकंड क्राइटेरिया दैट इज नोन एज डबल ए. एंगल्स की इक्वालिटी, साइड्स की प्रोपोर्शनैलिटी सिर्फ एंगल्स की इक्वालिटी पे शिफ्ट हो गई. एंगल्स की इक्वालिटी दो एंगल्स की इक्वालिटी पे शिफ्ट हो गई और हमारे पास दो क्राइटेरियाज ऑफ सिमिलरिटी बन गए. तीसरा क्राइटेरिया, लुक एट योर बुक एट पेज नंबर 132.
अब वही बात, इसको पहले मैंने करवाया कि अगर एंगल्स इक्वल हैं तो साइड्स प्रोपोर्शनल हैं। इस थ्योरम में क्या रहा है, थ्योरम 6.4 में, कि अगर साइड्स प्रोपोर्शनल हैं तो एंगल्स डेफिनेटली इक्वल होंगे। दोज आर द डेज वी यूज्ड टू डू द प्रूफ ऑफ दीज थ्योरम्स इन द क्लास, बट नॉट रिक्वायर्ड। यू जस्ट रिमेंबर कि अगर एंगल्स इक्वल हैं तो साइड्स प्रोपोर्शनल होंगी, और अगर साइड्स प्रोपोर्शनल हैं तो एंगल्स इक्वल होंगे ही होंगे। तो यहां से एक और क्राइटेरिया निकला कि सिर्फ साइड्स की प्रोपोर्शनलिटी से भी ट्राइंगल्स को सिमिलर बोला जा सकता है, दैट इज नोन एज ट्रिपल एस सिमिलरिटी क्राइटेरिया। ट्रिपल ए, डबल ए एंड ट्रिपल एस। ट्रिपल ए में सिर्फ एंगल्स का रोल, डबल ए में सिर्फ एंगल का रोल, कल एंगल्स हो गए तभी सिमिलर, और ट्रिपल एस में सिर्फ साइड्स का रोल। साइड्स इक्वल नहीं, साइड्स क्या, प्रोपोर्शनल। देयर इज डिफरेंस बिटवीन इक्वालिटी एंड प्रोपोर्शनलिटी, आई होप यू नो इट, है ना। तो इस तरह से हमारा ये ट्रिपल एस क्राइटेरिया सेट हो गया। अब आइए जरा थ्योरम नंबर 6.5। अब आपको याद होगा, आप हमने जब ट्रायंगल्स की कॉन्ग्रेंसी का चैप्टर किया था, एक क्राइटेरिया हमने कॉन्ग्रेंसी का किया था एस ए एस। उसमें हम क्या कहते थे कि अगर इसकी साइड ए बी इसकी साइड पी आर के इक्वल हुई, इसकी साइड ए सी इसकी साइड पी एस के इक्वल हुई, बीच का एंगल ए एंगल पी के इक्वल हुआ, देन वी से दैट बाय एसएएस क्राइटेरिया ट्रायंगल्स गेट कॉन्ग्रेंट। उसमें हम इक्वलिटी ऑफ द साइड्स लेते थे, इसमें हम प्रोपोर्शनलिटी ऑफ द साइड लेंगे। कैसे, ए बी प्रोपोर्शनल टू पी आर एंड ए सी प्रोपोर्शनल टू पी एस। यानी कि जो तीन साइडों वाला क्राइटेरिया था उसमें से दो साइड उठा ली, इसको स्क्वीज किया, दो साइडों पे आ गए। दो साइडों के प्रोपोर्शनल होने से भी ट्रायंगल कॉन्ग्रेंट सिमिलर हो जाएंगे, विद द कंडीशन दैट एंगल बिटवीन द साइड्स शुड बी इक्वल। तो यहां से जो क्राइटेरिया हमने डिजाइन किया, फोर्थ क्राइटेरिया ऑफ सिमिलरिटी, दैट इज एस ए एस, ये सारे हम यूज करेंगे ट्राइंगल्स की सिमिलरिटी में। सो यू हैव टू रिमेंबर दीज फोर, ट्रिपल ए क्राइटेरिया, डबल ए क्राइटेरिया, वी मोस्ट ऑफ द टाइम वी यूज डबल ए, ट्रिपल ए तो फिर रह गया, तब जो एंगल होने से तीसरा एंगल है ही है, तो ट्रिपल ए का कहाँ पे यूज हुआ। दो एंगल्स, तीनों के तीनों साइड्स प्रोपोर्शनल, दो साइड्स प्रोपोर्शनल और बीच का एंगल, देन वी से दैट द ट्रायंगल्स आर सिमिलर। सो दीज आर द क्राइटेरियाज ऑन द बेसिस ऑफ व्हिच वी विल स्टार्ट विद एक्सरसाइज 6.3। 6.3 एक्सरसाइज का जो फर्स्ट क्वेश्चन है, इसको मैं थोड़ी देर के लिए आई एम लीविंग, बिकॉज व्हेन वी विल डू द होल एक्सरसाइज आई विल आस्क यू द आंसर्स ऑफ द फर्स्ट क्वेश्चन, यू विल टेल मी योर सेल्फ, बट नॉट राइट नाउ, क्योंकि थोड़ा सा मुझे पहले करवाना पड़ेगा तभी आप जज कर पाओगे। फर्स्ट क्वेश्चन को फॉर अ टाइमिंग आई एम लीविंग, लेट अस स्टार्ट विद क्वेश्चन नंबर सेकंड, एक्सरसाइज 6.3। फटाफट से स्मर्थ बता दो, हमने कौन से सिमिलरिटी क्राइटेरिया अभी अभी जो है डिराइव किए। Angle, 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 two angle, SSS, then SAS. Triple angle, double angle, right? ठीक है? तो artist to artist की तो अलग ही बात होती है, नहीं? चलिए, question number second. In the given figure, we are having this line like this. There are sides AC and the side BD like this, intersecting at the point O. ऐसे questions मुझे जो लगता है कि board के paper में MCQ बन के आ सकते हैं। तो given हमारे पास है triangle ODC similar to triangle OB. Starting में जब objective paper का criteria हमारे सामने आया था तो हमें लगता था कि ये तो बड़ा आसान हो गया, हमें पढ़ना नहीं पड़ेगा। पर जैसे जैसे हमने पेपर दिए हमें लगा कि भाई ये तो मुश्किल है, ज्यादा पढ़ना पड़ेगा। सब्जेक्टिव होता तो शायद कार्तिक जैसे बच्चे कैलकुलेशन करते 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 4 by 4k इज इक्वल टू 3 को k इक्वल टू 4/3 लिख देते तो दो में से डेढ़ नंबर मिल जाता, यहाँ कुछ नहीं मिलता है ना कार्तिक। बहुत सारे बच्चे हैं कार्तिक, नॉट ओनली यू, आई एम जस्ट गिविंग यू द एग्जांपल गिवन दिस। चलिए ये चीजें हमें गिवन है, हमें फाइंड क्या करना है, एंगल्स कौन से गिवन है। This is given to be 70 degree and this is given to be 125.
हम फाइंड करना चाहते हैं डी ओ सी, यानी कि ये वाला है। देखो जरूरी नहीं है कि हम सिमिलैरिटी वाला चैप्टर कर रहे हैं तो हमें सिमिलैरिटी का ही कॉन्सेप्ट यूज करना है। हमने एंगल को फाइंड करने के लिए आज तक जितने भी क्राइटेरियाज किए हुए हम उनको यूज कर सकते हैं। 125 एंड डी ओ सी व्हाट दे आर फॉर्मिंग, लीनियर पेयर, स्ट्रेट लाइन पे दो एंगल्स, सो लीनियर पेयर का सम 180। 125 प्लस डी ओ सी इज 180, दिस इज लीनियर पेयर। सो एंगल डी ओ सी दिस इज 180 माइनस 125, दिस इज 55। सो पहला एंगल हमारा डी ओ सी 55 आ गया। नेक्स्ट एंगल वी वॉन्ट टू फाइंड डी सी ओ। यू नो इन दिस ट्राइंगल इफ यू आर नोइंग द टू एंगल्स वी कैन फाइंड द थर्ड बाई यूजिंग एंगल सम प्रॉपर्टी। सो इन ट्राइंगल डी ओ सी 70 डिग्री प्लस 55 डिग्री प्लस डी ओ सी 180, कितना आ रहा है डी ओ सी का आंसर 55, सॉरी डी सी ओ। DCO 55. NCERT exemplar book सबके पास है। NCERT exemplar please arrange करो, क्योंकि सबसे पहले NCERT और NCERT exemplar हमारा जो है वो टारगेट होना चाहिए। नो डाउट प्रैक्टिस के लिए आप कोई सैंपल पेपर कुछ भी हम प्रैक्टिस करेंगे, पर यही वो जिन हमने जो वेबिनार अटेंड किया वो जो एक्सपर्टी था वो यही कह रहा था कि जो भी पेपर सेटर होगा एक उसने NCERT की बुक उठानी है, राइट, एंड NCERT एग्जाम्पलर भी वो मोस्ट प्रोबेबली उठा सकता है, क्योंकि दीज आर द बुक्स विच आर गाइडेड बाय और विच आर मेड अकॉर्डिंग टू द गाइडलाइंस ऑफ CBSE। आप देखोगे NCERT एग्जाम्पलर पे भी लिखा हुआ है पब्लिश्ड बाय NCERT, है ना। तो ये दोनों बुक्स अपने पास इसको अच्छे तरह से करना ही करना है। अपनी बुक्स लो और सुबह आके जब गप्पे मारते हो ना यहाँ पे बैठ के उसके MCQ सॉल्व करने शुरू कर, राइट। दिलप्रीत इतना घबराया हुआ है जितना कल ही फाइनल पेपर है। यस DCO 55। थर्ड एंगल हमने फाइंड करना है एंगल OAB। OAB कुछ नहीं पता, पर ये सिमिलैरिटी जो है ना ये किस दिन काम आएगी, ये इसको यूज करते हैं ना, हमें फाइंड करना है OAB। अब फटाफट से देखो ये जो OAB है इसमें थर्ड लेटर पे बैठा हुआ है, उसका थर्ड लेटर का कौन सा एंगल है C, यानी कि इसका DCO और इसका OAB आपस में क्या होने चाहिए इक्वल, बिकॉज इन द सिमिलर ट्रायंगल्स कॉरेस्पोंडिंग एंगल्स आर ऑलवेज इक्वल। सो यू विल राइट OAB, एंगल OAB इज OCD एज कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ सिमिलर, मैंने लिखने लगी सिर्फ बता दिया और लिया, आपको जरूरत ही नहीं है, कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ सिमिलर ट्रायंगल्स आर इक्वल। चलो भी तो इसका मतलब हमारे पास OAB की वैल्यू कितनी आई 55। अब आइए जरा क्वेश्चन नंबर थर्ड, जो एक्सरसाइज 6.2 में हमने छोड़ दिया था। There is a trapezium ABCD. In which AB given to be parallel to DC. Diagonals are intersecting at the point O. Using a similarity criteria. उसने similarity criteria अभी जब ये subjective paper होता था तब ये लिख के आता था using similarity criteria. तो बच्चे similarity से prove करते थे तभी number मिलते थे। 6.2 वाले method से करते थे तो number नहीं मिलते थे। अब method किसी ने नहीं देखना तो हम इस सोखे वाले मेथड से करते हैं। टू प्रूफ OA अपॉन OC OB अपॉन OB। जब भी कभी पेपर में इस तरह का क्वेश्चन आए जिसमें आपको साइड्स के प्रोपोर्शनलिटी के रिगार्डिंग ऑप्शंस दिए हुए हैं तो याद रखना उसमें हम सिमिलरिटी का कॉन्सेप्ट यूज करेंगे। जैसे ये क्वेश्चन आ गया और इसमें से चार आपको ऑप्शन दे दिए तो इसका मतलब हम सिमिलरिटी क्राइटेरिया से जाएंगे। अब सिमिलरिटी क्राइटेरिया कैसे, हमें दो ट्राइंगल्स को सिमिलर करना पड़ेगा उसी के बाद साइड्स प्रोपोर्शनल होती है। इसका मतलब हमें अगर इन साइड्स की प्रोपोर्शनलिटी चेक करनी है तो हमें दो ट्राइंगल्स सिमिलर प्रूव करने पड़ेंगे।
Now the question is which two triangles I should consider to be similar, to prove to be similar. देखना ध्यान से, इसका ऊपर वाला हिस्सा consider करो, ठीक है? वहां से जो भी letters आपको sequence में दिख रहे हैं उसको उठाओ. O, A, O already selected. क्या आया? B. तो मैंने ट्राइंगल लिया ओ ए बी, इन ट्राइंगल ओ ए बी एंड नीचे वाला डिनोमिनेटर कंसिडर करो, इसमें से लेटर्स के अकॉर्डिंगली ट्राइंगल का नेम रखो ओ सी डी. सो आई एम चूजिंग ट्राइंगल ओ सी डी. दो ट्राइंगल्स हमने चूज कर लिए, ठीक है? सो इन दो ट्राइंगल्स को हमने सिमिलर प्रूव करना है, और बिल्कुल हमारी कोशिश यही रहा करेगी कि हम सबसे पहले ए ए सिमिलरिटी पे जाएं. तो वेरी इजी, दिस एंगल AOB corresponding ही होना चाहिए, first number पे है, और इसका COD they are equal, vertically opposite angle. लो भी एक angle तो हमारे पास आ गया, एक angle और आया नहीं कि ये similar हुए नहीं. किस criteria से? Double A से. Lines parallel, this angle OAB equals to angle OCD. देख लो आमने सामने है, ए बी सेकेंड नंबर पे है, सी बी सेकेंड नंबर पे है, बिल्कुल आमने सामने है. सो दिस इज एंगल ओसीडी, अल्टरनेट इंटीरियर. इन केस ऑफ पैरेलल लाइंस अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर ऑलवेज इक्वल. दो एंगल्स इक्वल आ गए ट्राइंगल्स के, कौन सा सिमिलरिटी क्राइटेरिया? ए ए सिमिलरिटी क्राइटेरिया. ए ए क्राइटेरिया से वो द ट्राइंगल्स गेट सिमिलर. When the triangles get similar corresponding sides, they are proportional. जो जो हमें चाहिए उसके अकॉर्डिंगली हम ले लेते हैं. हमें OA चाहिए, तो इधर से OA उठाया, किसके proportional होगा वो? OC के. First second letter. We need OB. That means first and last letter. That is OP, OB and OD. बिल्कुल आमने सामने है. And hence proof. आगे हम लिखवाते होते थे. That we know that in the similar triangles, the corresponding sides are proportional. That's why we reach this result. Now I'm telling without dictating, ठीक है? क्योंकि ज़रूरत नहीं है. आपको बस पता होना चाहिए कि कैसे मैम ने यहाँ से ये लिख दिया. Because when the two triangles are similar, their corresponding sides they are going to be proportional. Is it okay? जब भी हमें proportionality का कोई question आ गया, इसका मतलब we'll go through similarity. ये भी आ सकता है, ये कंडीशन दी हुई है और कुछ ट्राइंगल्स नीचे दे दिए गए और पूछा गया कि कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है. दिस इज सिमिलर टू दिस, दिस ट्राइंगल इज. वहां से तो बहुत आसान हो जाना है, सीधा लेटर्स उठाना, ओ ए बी सिमिलर टू ओ सी डी, ठीक है? किसी भी तरह से घुमा फिरा के इसको जो है प्रेजेंट किया जा सकता है. क्वेश्चन नंबर 4. वैसे हमें घूमना फिरना बहुत पसंद है, पर जब क्वेश्चन घूम फिर के आ जाता है फिर हम किसी और ही दुनिया में चले जाते हैं. Question number 4. In the given figure, let us make the figure first. This is T, this is Q, this is R, P, S, P, R. This is angle 1 and this is angle 2. ये figure है हमारे पास. Given क्या है? गिवन है हमारे पास क्यू आर ओवर क्यू एस, क्यू टी ओवर पी आर एंड एंगल वन एंगल टू के इक्वल है. ये दो चीजें हमें गिवन. हमने ये प्रूव करना है, टू प्रूफ, ट्राइंगल पी क्यू एस सिमिलर टू ट्राइंगल टी क्यू आर. अब एक चीज ध्यान देना जरा, किसी बच्चे के माइंड में ये बात घूम रही है कि मैम ने बोला था कि अगर चार ऑप्शन आते हैं, इसके भी अगर चार ऑप्शन आते हैं तो बच्चा कहता है ट्राइंगल क्यू आर टी शुड बी सिमिलर टू, देखो नीचे बन ही रहा कुछ, क्यू एस पी आर. क्या चार लेटर से तो ट्राइंगल बन ही नहीं सकता, इसका मतलब कुछ ना कुछ चक्कर है. चक्कर क्यों है? क्योंकि ये जो गिवन है ना, इसकी बड़ी प्रॉब्लम है. अगर ये ना ना होता तो फिर उसने सीधा सीधा ही दे देना था ट्राइंगल्स का नेम, बट इसकी जो प्रॉब्लम है उसको सॉर्ट आउट करते हैं. देखो कैसे, अगर मैं अपने इस गिवन को अपने ट्राइंगल्स के साथ एसोसिएट करूं तो मेरे हिसाब से क्यू आर के नीचे क्यू एस होना चाहिए था, जो कि है, ठीक है? एंड सेकेंडली
QT के नीचे, ये है QT, इसके नीचे क्या होना चाहिए था? PQ. अगर QT के नीचे PQ आ जाए ना, फिर हमारा QRT will be similar to QSP. वो अगर हमने ऑर्डर चेंज भी कर दिया है ना तो कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि ऑर्डर अगर एक का चेंज होगा तो दूसरे का भी साथ ही चेंज हो रहा है, ठीक है, इसलिए डोंट वरी अबाउट दैट. तो इसका मतलब किसी तरह से इस PR की जगह पे हमें PQ मिल जाए. Can anybody will tell me that by using this given, can we replace PR by PQ? जूते इक्वल हैं तो पैर भी एक जैसे होंगे, ये नहीं कि एक पैर में आपने 10 नंबर का जूता डाला हुआ है, दूसरे में 8 का, ठीक है. अगर जूते सेम है तो जिन पैरों में वो डले हुए हैं वो भी इक्वल होंगे. इफ द टू एंगल्स, बेस एंगल्स आर इक्वल, देन द कॉरेस्पॉन्डिंग साइड आर ऑल्सो इक्वल. ये भी हमने 9th में थ्योरम प्रूव किया था. सो हम लिखते हैं यहाँ पे, एज एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, दिस इंप्लाइज PQ इज इक्वल टू. So now, take up the given QR over QS, QT over PR. This implies QR over QS, QT over PQ. अब ऊपर से ट्रायंगल का नेम क्या बना? QRT. This implies triangle QRT. सिमिलर टू नीचे से QSP, ट्रायंगल QSP, दोनों सिमिलर हो गए. अब कुछ बच्चों के दिमाग में ये चीज आती है कि यहाँ पे तो ट्रायंगल TQR दिया हुआ है और QSP दिया हुआ है, अगर मेरा ये वाला ट्रायंगल उसी नेम का आता जैसा वो था और ये दूसरे नेम का आ गया फिर प्रॉब्लम थी, बट क्योंकि दोनों का ऑर्डर जो है वो शफल हुआ है इसलिए हम इसको सीधा करके दोनों को TQR सिमिलर टू PQS लिख सकते हैं. इसका भी, इसमें भी हमने चेंजेस कर दी, कोई फर्क नहीं पड़ा, और इसमें भी अकॉर्डिंगली. इज इट ओके? ठीक होगी बात? यानी कि ये जो गिवन था इसको थोड़ा सा इसके अकॉर्डिंगली मोल्ड किया और हमारे पास सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल्स आ गई. दक्षिण, दिलप्रीत, एनीथिंग टू लाफ अबाउट? बता दो, सारे इकट्ठे हंसेंगे, अभी इकट्ठे स्कूल आए हैं तो. क्या उसने पैर पे, किसने? राघव, चलो, होप सो कि एक दिन जो टाइम है वो आपके कदमों में झुके, ठीक है, पर उसके लिए आपको घड़ी को अपने हाथ में डालना पड़ेगा, ठीक है ना. चलिए, पैरों में घड़ी डाल रहे हो आप, चलिए. क्वेश्चन नंबर 5th, S and T are the two points on the side PN and QR of triangle PQR. Figure is not given. दक्ष को कंट्रोल ही नहीं हो रहा अपनी हंसी पे. S is a point on PR. T is a point on QR. Like this. S is a point on PR and T is a point on QR. कौन सी मूवी थ्री इडियट्स में वो कहता होता है कि ऐसे ऐसे क्वेश्चन बच्चों के दिमाग में आने चाहिए कि घड़ी को हाथ में क्यों बांधते हैं, पैर भी क्यों नहीं बांधा जाता है ना, ऐसे ऐसे क्वेश्चंस क्रिएटिव लोगों के माइंड में आते हैं, है ना. बिंदी को यहाँ पे क्यों लगाते हैं, यहाँ क्यों नहीं लगाते, है ना. गिवन है हमारे पास सही नंबर का एक, सही क्वेश्चन आंसर का एक मार्क्स क्यों होता है, गलत का क्यों नहीं होता, है ना. काश गलत का भी होता, नहीं सारे ठीक होने थे. फिर एंगल P इज इक्वल टू, फिर दिलप्रीत और बहुत सारे बच्चे बहुत इंटेलिजेंट माने जाते हैं, है ना.
जिनके गलत है वो इंटेलिजेंट है। हाँ, एंगल पी इज इक्वल टू एंगल आर टी एस, शो दैट। दिलप्रीत पास हुआ है भाई, गली गली में शोर है अभी, दिलप्रीत पास हो गया मैथ्स में, नहीं है शोर। आर पी क्यू सिमिलर टू आर टी एस, आर पी क्यू आर टी एस, ये दो ट्रायंगल्स हमने लिए। ट्वेंटी फोर प्लस फोर्टीन टोटल कितने हो गए 38। लिखना फटाफट अंशिका, मैं रोल नंबर्स बोलती हूँ। रोल नंबर वन, सिक्स, टेन, इलेवन, थर्टीन, थर्टीन, एटीन, ट्वेंटी वन, ट्वेंटी थ्री, ट्वेंटी फाइव, ट्वेंटी सिक्स, ट्वेंटी सेवन, थर्टी एट, 42, 42, ये ऑनलाइन प्रेजेंट ही है। हाँ चलिए, वी विल मीट टुमारो।